मेरे महबूब पाक के सहाबा में से एक नाम हजरत सईद बिन आमिर का भी है। गवर्नर बनाया था या आमिल बनाया था हजरत उमर ने इन्हें एक सूबे पूरे का। गवर्नर साहब के मुकरर करने के बाद दो चार पांच महीने के बाद जब हजरत सईद बिन आमिर की गवर्नरी को थोड़ा वक्त गुजर गया तो हजरत उमर का तरीका था, गवर्नरों का पता करते थे, आपका तरीका यह था कि जिस इलाके का गवर्नर होता है उसकी जामे मस्जिद में सब लोगों को जमा करते और फिर गवर्नर को भी बुलाते तो कहते कोई शिकायत है गवर्नर की तो बताओ, मस्जिद में जमा किया, लोग इकट्ठे हो गए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया गवर्नर की कोई शिकायत है तो बताओ, तो सूबे के लोग कहने लगे चार शिकायतें हैं गवर्नर साहब की। फरमाया बताएं जनाब आपकी शिकायत आई है, पहली शिकायत यह है कि आप पहले फजर के वक्त मिलते थे अब इशराक चाश्त में मिलते। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहने लगे हुजूर अगर आप ना होते कोई और पूछता तो मैं कभी ना बताता, हुजूर मेरी मजबूरी यह है कि मेरी बीवी बीमार हो गई है और माजूर हो गई है टांगों से, मैं गरीब आदमी हूं नौकर नहीं रख सकता, उस भली मानस औरत ने 30 साल मेरी नौकरी की है, अब वो बीमार हो गई है तो क्या मैं उसको छोड़ दूं, मैं सवेरे उठ के अपने घर में झाड़ू देता हूं, बर्तन धोता हूं, आटा गूंथता हूं, रोटी पकाता हूं और अपनी बावफा बीवी के मुंह में लुकमे डालता हूं, हुजूर वो पखाना पेशाब करती है तो वो भी मैं साफ करता हूं, वो मेरी जिम्मेदारी जो हुई तो जरा देर हो जाती है। बस पहले सवाल का जवाब आया तो लोग कहते हैं हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। फिर कहा आपकी दूसरी शिकायत यह है कि आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं, तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर काश ये लोग मुझे रुसवा ना करते, काश सरेआम ना पूछते तो मेरे और मेरे रब का राज था यही बेहतर था। फरमाया कह चुका हूं ना गरीब हूं जोड़ा एक ही है मेरे पास, ठंड का मौसम है तो हफ्ते में एक दिन कपड़े धो के खुश्क होने को डाल के बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूं और जरा शाम हो जाती है बाहर आने में तो क्या करूं नहीं आ पाता। का तेरी तीसरी शिकायत यह है कि तू रात को नहीं मिलता सिर्फ दिन को मिलता है। हजरत उमर कहते हैं अपनी सफेद दाढ़ी जनाब सईद बिन आमिर ने जोर से पकड़ ली, कहने लगे उमर यार इधर देखना है कोई बाल काला, सफेद नहीं हो गए सारे, इसका मतलब है फल पक गया, पता नहीं मालिक कब बुला ले। गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है, सारा दिन मुसल्ले पे बैठ के मालिक को मनाता रहता हूं, उसको कहता हूं यहां पर्दे रखे हैं तो वहां भी मेरे पर्दे रखना, मैं सारी रात मुसल दिन मैंने रखा हुआ है मखलूक के लिए, रात रब के लिए रखी है, उमर क्या करूं वहां भी तो जाना है ना, नहीं मिल पाता। हजरत उमर की आंखें आंसुओं से भर गई, फरमाया चल चौथी बात बता, कभी कभी बेहोश क्यों हो जाता है रोते रोते, तो फिर रोने लगे, कहने लगे हुजूर मैंने 40 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, जब 40 साल के गुनाह याद आते हैं तो फिर मुझसे सबर नहीं होता और सोचता हूं अगर एक गुनाह का पता तो सारा है ना सरदार नु कीतिया दा, मन आनम के मन दानम पता तो सारा है सरदार नु कीतिया दा, और जब 40 साल की खताएं याद आती है तो रो पड़ता हूं और सोचता हूं अगर मालिक ने खड़ा करके पूछा तो जवाब क्या दूंगा, उमर मेरे लिए दुआ कर रब मेरी 40 साल की खताएं बख्श दे। हजरत उमर रोने लगे, जनाब सईद बिन आमिर कहने लगे बड़ी बातें हो गई, मेरे बड़े पर्दे खुल गए, चल अब मेरी सजा का ऐलान कर मैं जाऊं। उमर अब बता मैंने जवाब दे दिया, अब शिकायत पर सजा का ऐलान करना मैं जाऊं, तो हजरत उमर ने हाथ उठाए कहा अल्लाह मुझे इस तरह के कुछ और गवर्नर भी अता फरमा।